खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। श्री राकेश सिन्हा, मैं सुबह से इस बिल पर बहस सुन रहा था और अभी हमारे वामपंथी साथी ने इस बिल के बारे में कुछ कहा, मैं उनको याद दिला दूं। 1986 में जब लोकसभा में बहस हो रही थी, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल पर जब बहस हो रही थी, तो आपकी ही पार्टी के सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, गीता मुखर्जी, ये सभी उस प्रोटेक्शन बिल का विरोध कर रहे थे। यह कह रहे थे ऐसा करके आप समाज को पीछे ले जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वामपंथ में प्रगतिशीलता आ रही है या वो पीछे जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक वाक्य का जिक्र करना चाहता हूं। सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम के थे, मैं बता दे रहा हूं। एक वाक्य का जिक्र करना चाहता हूं। 1986 में जब मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल पर लोकसभा में बहस चल रही थी, तब मधु दंडवते साहब बहस में भाग ले रहे थे। मधु दंडवते साहब के दर्शन को हम जानते हैं, प्रगतिशीलता, समाज को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हम सब जानते हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। यह घटना खास करके हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यह घटना उस प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू की घटना है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आंखों में आंसू क्यों आई? आज आपके पास अवसर है कि राजीव जी के आंखों में जो आंसू आई थी उसको पोछने का अवसर आपके पास है। यह स्वर्णिम अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको दे रहे हैं। आप राजीव जी को श्रद्धांजलि दीजिए उनके आंसू को पोछकर। मधु दंडवते जी को मैं उद्धृत कर रहा हूं। मुस्लिम महिलाओं का एक टीम राजीव जी से मिलने के, एक युवती ने राजीव जी से जो कहा, उसमें मीडिया भी विद्यमान थी। उस युवती ने राजीव जी से कहा कि मुझे तीसरी बार तलाक दे दी गई है, आप 21वीं शताब्दी में देश को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं ध्यान है कि राजीव जी ने 21वीं शताब्दी का नाम लिया था, और आज हम लोगों को आप 6वीं शताब्दी में क्यों डाल रहे हैं? इसके आगे जो युवती ने जो कहा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, 3 तलाक के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बचाया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मुझे नहीं बचाया, मेरे पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो मैं आई शुड लीव लाइफ ऑफ प्रोस्टिट्यूट और कमिट सुसाइड। यह सुनते ही राजीव जी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन सभापति महोदय, राजनीति बहुत क्रूर होती है। इसके आगे जो युवती ने जो कहा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, 3 तलाक के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बचाया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मुझे नहीं बचाया, मेरे पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो मैं आई शुड लीव लाइफ ऑफ प्रोस्टिट्यूट और कमिट सुसाइड। यह सुनते ही राजीव जी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन सभापति महोदय, राजनीति बहुत क्रूर होती है। राजनीति में सत्ता पाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, वोट पाने के लिए, सबसे पहले हम अपनी संवेदनशीलता को रौंदते हैं। यदि उस आंसू की कीमत होती तो राजीव जी 1986 में आरिफ मोहम्मद खान के साथ खड़े होते, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान की बलि चढ़ा दी गई। एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का था, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एपिटोम बना, जिसने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, सर ही जो हिस्टोरिक ने, आई विल टेक 100 times आरिफ मोहम्मद खान ने, आप बोले, ही हैज बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ही इज अ पार्ट ऑफ सेक्युलर डिस्कोर्स, हिज नेम कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय एनी डिस्कोर्स, एनी डिबेट। आरिफ जी ने कहा कि पार्टी का व्हिप है, इसलिए मतदान तो मैं पार्टी के कहने पर करूंगा, लेकिन मेरा मत नहीं बदला है।
जो कानून बनाया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को प्री इस्लामिक एरा में भेजा जा रहा है, उनकी स्थिति जानवरों की होगी। ये आरिफ जी के शब्द लोकसभा में है। वो जैसे प्री इस्लामिक एरा में महिलाओं को संपत्ति का हिस्सा समझा जाता था, वही संपत्ति का हिस्सा समझा जाएगा। और मैं उस कहानी का आज याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, पूरी दुनिया आज देख रही है। इस देश में दो बड़ी घटनाएं घटी। 1949 में जब हिंदू कोड बिल को लाया गया, तो उसी सभा में बैठे हुए कई हिंदू विद्वान, कई हिंदू धर्म से जुड़े हुए नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि हिंदू धर्म के डिस्ट्रक्शन का रास्ता खोला जा रहा है। स्वयं भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री नेहरू से को पत्र लिखकर हिंदू कोड बिल का विरोध किया, लेकिन पूरे देश ने एक मत होकर हिंदू कानून का कोडिफिकेशन किया, हिंदू महिलाओं को न्याय दिला। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाया था। देखिए, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल प्रक्रिया का है, सवाल परिणाम का है। उस घटना के बाद में एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आचार्य जेबी कृपलानी ने भाषण देकर कांग्रेस को क्या कहा। जेबी कृपलानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, जेबी कृपलानी भारतीय जनसंघ के नेता नहीं थे, जेबी कृपलानी गांधीवादी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। जेबी कृपलानी ने नेहरू से कहा, मैं उनके शब्दों को यथावत उद्धृत करता हूं, इट इज नॉट ओनली द हिंदू महासभा व्हिच इज ए कम्युनल, यू द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कम्युनल। भारतीय राज्य भी सांप्रदायिक है। आप समाज के एक वर्ग के लिए तो कानून बना रहे हैं, शेष वर्ग की महिलाओं को क्यों छोड़ रहे हैं? साफ तौर पर जेबी कृपलानी का आग्रह का संकेत मुस्लिम महिलाओं की ओर था। उसके बाद 1986 में जो घटना घटी उसका चंद कुछ सेकेंड में मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं, 1932 में एक महिला की शादी होती है, 1932 में, 1975 में उस महिला को घर से बाहर कर दिया जाता है। 75 में बाहर होने के बाद वो महिला इंदौर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, 500 रुपए का आग्रह करती है उसके शौहर की वार्षिक आमदनी 60,000 रुपए, सिर्फ 500 रुपए मांगती है। कोर्ट ने उसे 25 रुपया दिया, स्वीकार्य नहीं था। हाई कोर्ट में अपील हुई उसके खिलाफ, हाई कोर्ट ने उसे बढ़ाकर 179 रुपीज कर दिया, स्वीकार्य नहीं था। जब न्यायालय उस महिला के साथ खड़ी हो रही थी तो अंतिम सहारा लिया गया शरीयत का, उस साहबानों को तलाक दे दिया गया। तलाक 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 के बाद तलाक देकर कहा गया अब हम शरीयत से प्रोटेक्टेड हैं, कोई कानून नहीं आ सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय आया और सर्वोच्च न्यायालय ने और सरला मुद्गल केस, दोनों को मैं जोड़ते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। सरला मुद्गल केस में जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने कहा था, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पर्सनल लॉ इन एन इन सिविलाइज सोसाइटी। किसी भी सभ्य समाज में जो पार्टी द्वारा समय तय था वो 8 मिनट का था, आप कंक्लूड करें। किसी भी सिविलाइज समाज में, सभ्य समाज में पर्सनल लॉ और रिलीजन का संबंध नहीं होता है। और साहबानों केस में ये कहा गया, साहबानों केस में कहा गया कि आपने आर्टिकल 44 को डेड लेटर बना दिया। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि इस कानून नहीं बनने से हिंदुस्तान में और बाकी इस्लामिक मुल्कों के अंतर में क्या अंतर है। क्रूड डिवोर्स रेट एक फॉर्मूला होता है निकालने का। जॉर्डन जो इस्लामिक देश है वहां पर 1,002.6 है, कुवैत में 2.2 है, इजिप्ट में 1.9 है, लेबनान में 1.6 है,
आप आ जाइए उससे नीचे। हाँ बहरीन में 0.07 है और अंत में लीबिया में 0.03 है और भारत में यह मुस्लिमों के बीच डाइवोर्स का रेट 3.7 है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि मुसलमान महिलाओं को यदि आप डिग्निटी देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, यदि संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं, तो आप इस बिल का समर्थन कीजिए। यह मजबूती के लिए और मजबूर बनाए रखने की दो विचारधाराओं की लड़ाई है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को मजबूर बनाकर रखना चाहते हैं, जो इसका समर्थन दे रहे हैं वो मुस्लिम महिलाओं को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। यह मजबूती और मजबूरी के बीच की लड़ाई है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो काम आपने साहबानों के समय में किया वही काम मत कीजिए। मुस्लिम महिलाओं को उन विकल्पों में मत छोड़िए। मैं वैश्य वृत्ति की जिंदगी बिताऊं या मैं आत्महत्या कर लूं, ये दो विकल्प मत छोड़िए। मेरा आपसे आग्रह है अपनी विचारधारा को बदलिए। राजीव जी के आंखों में जो 86 में आंसू था उसको पोछने का काम कीजिए। धन्यवाद।